हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में। बहुत कस्टमर की ये डिमांड थी कि सर, सर्कल ड्राइवर जो एसी डीसी बल्ब होता है तो वो किस प्रकार बनाया जाता है, तो एक मुझे उसकी स्पेशल एक वीडियो बनाकर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे असेंबलिंग ये बल्ब हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा सर्कल ड्राइवर है, जो A1 क्वालिटी का सर्कल ड्राइवर है एसी डीसी का, इंडियन चाइना ड्राइवर नहीं है, बिल्कुल इंडियन ड्राइवर है। तो ये किस प्रकार असेंबलिंग होता है वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि एलईडी के कोई भी प्रोडक्ट असेंबलिंग होगी या अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है इसकी बैटरी, कोई बैटरी आती है जैसे वायर कनेक्ट किए हुए जैसे आती है, कोई वायर विथआउट वायर कनेक्ट हुए आते हैं। तो अगर विथआउट वायर है तो आप विथआउट इसमें वायर कनेक्ट करना है, कैसे वायर कनेक्ट करना है। एक तरफ इसमें पॉजिटिव साइन होता है, एक तरफ इसमें निगेटिव साइन होता है, वो इसकी सर्किट में लिखा रहता है। जैसे कि इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये जो माइनस है तो माइनस की तरफ ये ब्लैक वायर लगेगा और इधर ये प्लस होगा, ये आप देख रहे हैं इधर ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस वाला लगा है। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग की गई है और ऊपर से ये टैप लगा दिया गया है, इस प्रकार ये प्लग है। और इसकी सेकंड प्रोसेस क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड प्रोसेस होती है इसकी MCPCB को रिंग के ऊपर कैसे लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस MCPCB को इसके रिंग के ऊपर लगाया गया है और स्क्रू लगाया गया है और नीचे एक हीट सिंक कंपाउंड लगाया गया है कि हीट होगी तो उसको ठंडा रखने के लिए। फिर उसकी सेकंड प्रोसेस क्या होती है। सेकंड प्रोसेस इसकी सिंपली रहती है, कोई ज़्यादा इसमें बनाने का कोई इशू नहीं है। सेकंड इसकी प्रोसेस होती है, ये जो सर्किट होती है, ये जो सर्किट होती है इसमें अपने ये इधर 4 वायर निकलते हैं, आप देख सकते हैं मैं फोकस कर देता हूँ, इधर ये 4 वायर निकलते हैं और इधर भी 4 कनेक्शन रहते हैं। सबसे ज़्यादा कस्टमर को यही प्रॉब्लम आती है कि इसमें कौन से वायर कनेक्ट किए जाते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं कि क्योंकि ये सॉल्व रहता है। जैसे इसमें आप सर्किट में देख सकते हैं सी और एफ, बी प्लस बी माइनस, ये जो बी प्लस बी माइनस है ये अपना डीसी वाली लाइन है जो अपनी इन्वर्टर से चलती है, और ये सी और एफ एसी वाली लाइन है। फिर भी आपको वायर ऐसा नहीं करना है कि एसी वाली इधर उधर आपको कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली उसी हिसाब से करना है। जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसमें भी देखिए सिंपली लिखा हुआ है बी माइनस बी प्लस सी और एफ, इसी प्रकार आपको इसमें कनेक्ट करना है। सी वाला वायर सी में लगाना है, एफ वाला वायर एफ में लगाना है, बी प्लस का बी प्लस में, बी माइनस का बी माइनस में। और फिर सर इसकी करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार ये सोल्डरिंग किया गया है और इस बैटरी को कैसे रखा गया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस प्रकार इसमें रखा जाता है। जैसे इसमें सोल्डरिंग किए जा रही है, जैसे इसमें सीधा ये वायर कनेक्ट किए जाएंगे अपने, जैसे प्लस माइनस के सारा कुछ किए जाएंगे। फास्ट कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बैटरी लगाई गई है यहाँ पे, ये बैटरी के ऊपर वायर लगा के इसमें जो नीचे होल रहता है उस जगह इसकी बैटरी सेफ हो जाती है, देख सकते हैं बिल्कुल ही बैटरी हिल नहीं रही। और ये जो अपने एसी वाले वायर हैं ये निकल गए हैं क्योंकि ड्राइवर बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बनाया गया है, वायर ज़्यादा निकाले गए हैं, सारा कुछ निकाला गया है। बाकी के इस रिंग को कनेक्ट करके दिखा देते हैं, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है बनाने के लिए, कोई भी इसको असेंबलिंग कर सकता है इस वीडियो को देखकर।
इसमें लॉक रहता है, जैसे इस हाउसिंग में और इसकी जो रिंग रहती है उसमें एक लॉक रहता है, उसके लॉक के हिसाब से ये अपनी हाउसिंग और रिंग लगती है। जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लॉक हो गया है और इसमें B22 कनेक्ट होगा। बाकी की आपको प्रोसेस तो पता ही होगा, इस पंचिंग मशीन से आपके B22 कनेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ पे सोल्डरिंग मशीन से ये बिट बन जाएगी। तो सिंपली ये इशू है। तो अगर आप AC DC बल्ब का बिजनेस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर ये नंबर है, इस पर आप कॉल करें और LED बल्ब का बिजनेस करें। AC DC या कंसील लाइट कोई भी प्रोडक्ट हो वो सभी का हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। और अगर कोई कस्टमर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो AC DC की हाउसिंग का स्टॉक है और यहाँ ट्यूब लाइट से अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो वो भी हमारी कंपनी में फैसिलिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंसील लाइट प्रिंट हो रही है, कंपनी के ब्रांड के साथ प्रिंट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो आप अपने ब्रांड के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे AC DC LED के ऑल प्रोडक्ट्स के लिए। और अगर आप असेंबलिंग प्रोडक्ट लेना चाहते हो, उस पर आप अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।